इत्तेहादियों के साथ डेडलॉक पर एमक्यूएम ने एक और बैठक लगा ली। कराची में एमक्यूएम का मुशावरती इजलास एमक्यूएम पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात को लेकर आइंदा का लाहेमल तय कर रही है। इजलास में पीपल्स पार्टी से जारी मुजाकरात पर मुशावरत की जा रही है। इजलास में वफाकी वुजरा अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी भी शरीक हैं। एमक्यूएम राबता कमेटी का मुतनाजा हल्का बंदियों पर मौकिफ पर कायम रखने, राबता कमेटी किसी बहाने और वादे पर अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटेगी। इजलास में 9 तारीख के एहतजाज की तैयारियों का हतमी जायजा लिया गया। कराची राबता कमेटी का एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए हैदराबाद में भी एहतजाज का फैसला किया गया है। ऐसा कहना है एमक्यूएम जराए के हिसाब से। अता हुसैन इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। अता हुसैन बताएगा क्या अपडेट्स हैं इस मुलाकात के हवाले से आपके पास। जी देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी बादाबाद में हंगामी इजलास कर रही है। इजलास की सदारत खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की है और इजलास में अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी और दीगर जो है वो शरीक हैं, जबकि इजलास में पीपल्स पार्टी से जारी मुजाकरात पर मुशावरत की जा रही है। जराए के मुताबिक एमक्यूएम राबता कमेटी का मुतनाज़े हल्काबंदियों पर मौकफ पर कायम रहने का फैसला भी किया गया है और राबता कमेटी किसी बहाने और वादे पर अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेगी। ये जराए ने दावा किया है कि इजलास में 9 तारीख के एहतजाज की तैयारियों का हतमी जायजा लिया गया है और राबता कमेटी का एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए हैदराबाद में भी एहतजाज करने का फैसला किया गया है, जबकि इजलास में से हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले फैसलों का तफसीली जायजा भी लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। ता हुसैन आप तफसलात से आगाह कर रहे थे।